गुड मॉर्निंग। ये देखो इतना नोटिस अच्छा है, लेकिन आज देखो कितना कितना ज़्यादा इसे सस्ती आ गई है। नहीं नहीं आ गई बेटा राजू, सबसे गुड मॉर्निंग बोल दो। बोलना नहीं है, मूड नहीं है अभी, इसका मूड नहीं है, बहुत मूडी है। हेलो कैसे हैं बच्चे? तो और भी हैं, पर पहले मैं इससे ही मिलवाती हूँ आपको। नींद आती है तो ये कुछ नहीं देखता, ना खाना ना पीना ना खेलना, बट यू वॉन्ट मे बी खाना तो कर दो।
ही लेते हुए, बट इसको भी ट्राई करें, ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, उन्हें बहुत अच्छा भी लगेगा खाने के लिए, काफ़ी मन से खाएंगे अगर आपके खाने में थोड़ा वेजिटेबल स्ट्रॉ। इसमें नमक नाम मात्र का होता है, नमक तो देना भी नहीं चाहिए लेकिन हाँ थोड़ा सा देना चाहिए ताकि इनके कुछ पॉइजन बनाने वाले कुछ ऐसे वाटर भी है। तो ये अभी थोड़ी सी इसको मैं थोड़ा ठंडा करूँगी, बहुत ज़्यादा गर्म है अभी फिलहाल, ये ठंडी हो जाएगी, इसका वाटर जो है ये बच्चों को दिया जाएगा क्योंकि सब्ज़ी के सारे न्यूट्रिएंट पानी में आ चुके हैं। आप इसमें और भी वेजिटेबल है थोड़ी बहुत डाल सकते हैं, बस इनको आप ऑनियन और गार्लिक जैसी जो सब्जियां हैं ये मत दें, आप जानते तो होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनके लिए नुकसान देने वाली सब्जियां होती हैं और इनकी बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाती ऐसी सब्जियों को। और साथ ही इनको आप सब्ज़ी में पंपकिन भी देते तो होंगे जो इनकी बॉडी को ठंडा रखता है, घिया दे सकते हैं लौकी, वो भी इनकी फैट को कम करता है क्योंकि उसमें जूस होते हैं और जिस सब्ज़ी में जूसेज होंगे वो आपकी बॉडी को ठीक रखेगा। ये ह्यूमन बॉडी के लिए भी होता है बट इनके लिए हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इनकी बॉडी का रेजिस्टेंस, इनकी बॉडी के अंदर जो भी टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है वो हम एकदम नहीं श्योर हो पाते हैं कभी भी। आजकल जैसे दिल्ली में आप जानते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी है, कितनी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो उससे बचाने के लिए बच्चों को ये सब देना ज़रूरी है। मैं ये सर्दियों में भी देती हूँ और मैं गर्मी में भी कंटिन्यू रखी हुई हूँ इसे कि मेरे लिए दोनों जो सीज़न है उसमें ये फ़ायदेमंद होता है, बच्चे एकदम हेल्दी रहते हैं और बच्चों को बार बार भूख नहीं लगती और उनकी क्या बोलते हैं उनकी एनर्जी भी ऐसी कम नहीं होती है। देखिए आप ये देखिए वेट कर रहे हैं ये कि मैं कब इनको इनका खाना दूँ। खुशी बेटा ये देखो तुम्हारा बन गया खाना, बस थोड़ा सा ठंडा हो जाता है सबको देती हूँ, देखो ये तीनों वेट कर रहे हैं अपने खाने के लिए। इसके अलावा दो बच्चे और हैं जो कि हमने स्ट्रीट से रख पाले और एक तरह से रेस्क्यू ही कर रहे हैं क्योंकि एक बच्चे को तो गाड़ी ने मार दिया था, इसका इलाज करवाया फिर उसे सड़क पे छोड़ना हमें सही नहीं समझा तो उसे हमने अपने पास लिया और दूसरा बच्चा उसके कई सारे भाई बहन हैं, भाई बहन थे मतलब अब कुछ उसमें से कई बेचारों को डिस्टेम्पर हो गया कि किसी को पागल हो गया तो वो मर गए, सिर्फ एक दो बच्चे बचे और एक बच्चा हम लिया है जो आज 6 मंथ का हो गया है, वो भी दिखाऊंगी मैं और वो भी बहुत प्यारा है। ये ज़रूरी नहीं आप ब्रीड ही पालो, आप कोई भी अच्छा बच्चा जो जिसे घर चाहिए आप उसे पाल सकते हैं, इसको घर की जरूरत है, मैनेज करने के ऊपर है। अब हमारा घर बहुत बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी हमने बच्चों को रखा है अपने हिसाब से और बच्चे एडजस्ट भी हैं। नाम शेल्टर मेरा है हमारा, बस हमारा घर है जो कि हम बच्चों को शेल्टर रख देते हैं और कोशिश यही करते हैं कि चलो कोई और भी बच्चा होता है तो अगर हम रख सकते हैं तो हम उसे भी शेल्टर दे सकते हैं। बाकी मैं आपसे उसे भी मिलवाती हूँ अभी थोड़ी देर में, देखो ये रहा वो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इस
स्पीक। और एक ये है जिसे रेस्क्यू किया था, ये 6 मंथ का है और ये 3 साल का, बड़ा हो गया ये। हाँ, अरे अभी दे रही हूँ, ठंडा होने तो पहले दूंगी। अभी तुमने पहले दिया था ना मैंने सुबह, तो अभी रुक जाओ तो मैं भी दूंगी, अब तुझे भी दूंगी। माफी, सबसे हेलो तो बोलो, हेलो बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे हेलो। ये बहुत अच्छा, बहुत गंदा बच्चा होता जा रहा है तू, काटता है बहुत ज़्यादा। हेलो अगेन, ये देखो मैंने आज आपको ये बताया था कि मैं स्टॉक जो देती हूँ सब्जी का को बॉयल करके, तो जो वेजिटेबल बचती है वो उसको मैं देखो, आप ये देख रहे हो खाना बनाया बच्चों का राइट, इसमें सारी सब्जी मैंने मिक्स कर दी क्योंकि इनको पूरा न्यूट्रिएंट इसमें ही मिलता, और इतना ही पतला खाना मैंने देती हूँ ताकि वो उसे ढंग से हजम कर दें। ये देखिए ये बच्चों के लिए बिल्कुल रेडी है, इसमें आप देख रहे हैं है ना, सारी सब्जियाँ इसमें, ब्रोकली भी डाल सकते हैं बट आजकल मैं ब्रोकली नहीं डालती, मार्केट में भी नहीं है, आप इसमें फ्रेंच बीन डाल सकते हैं। और ये इतना ही पतला खाना मैं बनाती हूँ इसके लिए ताकि ये आराम से डाइजेस्ट हो जाए। अब ये ठंडा हो जाएगा, इसमें कुछ भी मिला सकते हो आप, दही है लस्सी हो कुछ इसमें दे सकते हो, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है और गेहूं से एनर्जी और गर्मी बहुत पैदा होती है, वो इनके लिए नुकसान है, इसलिए इन्हें हम राइस देते हैं।